हम बात करते हैं लेंस का। बड़ी अजीब बात है लेंस के बारे में। एक्चुअली ये है क्या? ये है एक तरह से बाउंडेड मीडियम जिसमें एक सरफेस कर्व होना चाहिए जो बाउंड कर रहा है, और दूसरा सरफेस कर्व भी होगा, हो सकता है, और प्लेनो भी हो सकता है। तो ऐसे में जो लेंस है एक मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जिसका मिनिमम एक सरफेस क्या होना चाहिए? कर्व सरफेस होना चाहिए। अदर सरफेस कर्व भी हो सकता है और प्लेनो भी हो सकता है। तो हम लोग उसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, आप लोगों को मैंने बोल के बता दिया है, ज़्यादा लिखवाने की बात नहीं, समझने की बात ज़्यादा है इसमें, तो समझिएगा आप। अब कितने टाइप का होता है लेंस? दो टाइप का हम लोग कहते हैं। कौन कौन सा? एक्चुअल में स्फेरिकल बाउंड्री की बात करें तो स्फेरिकल बाउंड्री या तो इंटरसेक्ट करेंगी या नॉन इंटरसेक्ट होंगी, उनके बेस पे हम लोग दो टाइप का लेंस ले लेते हैं। नंबर वन इंटरसेक्टिंग लेंस, और नंबर टू नॉन इंटरसेक्टिंग लेंसेस। तो ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्टिंग लेंस में मैं कहता हूँ कि दो सरफेसेस इंटरसेक्ट करके जो मीडियम कवर करें उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लेंस। देखिए कैसे, थोड़ा सा मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ, डायग्रामेटिक फॉर्मेट। ये एक स्फेरिकल बाउंड्री है, पूरा स्फेयर है, ये पूरा का पूरा अंदर ट्रांसपेरेंट मीडियम फिल किया हुआ है। एक अदर स्फेयर ये है। जब दोनों को क्लोजर लाएंगे, पास पास लाएंगे, तो ये पास लाने पर एक ऐसी भी कंडीशन दिख सकती है इस टाइप की। थोड़ा मैं इसको डॉट डॉट लाइन से दिखाता हूँ, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब कुछ इस टाइप से इंटरसेक्शन एरिया ये है पूरा, दिस इज द इंटरसेक्शन रीजन, और ये रीजन के अंदर जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ये वाला सिस्टम, मतलब अलग से हटा के दिखा दूँ तो कुछ ऐसे दिखेगा, ये सिस्टम कुछ ऐसे दिखेगा। दोनों साइड में कन्वेक्स सरफेस दिखेंगे। इस लेंस को हम दोनों साइड में कन्वेक्स हैं तो बाई कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ R1 था, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ R2 था। तो ऐसे में इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। यदि बाय द वे मतलब कि ये R2 कर्वेचर का है, R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर का है, इसको कहेंगे हम लोग बाई कन्वेक्स लेंस। और यदि मान लीजिए बाय द वे R1 की वैल्यू R2 के इक्वल हो जाए तो ये कहलाएगा इफ़ R1 इक्वल्स टू R2, तो हम इसको कहेंगे इक्वी कन्वेक्स लेंस, दैट इज इक्वी कन्वेक्स लेंस। तो ये कॉमन सेंस की बात है। और ऐसे ही और भी कई सारे लेंसेज हो सकते हैं। मैंने ये बाई कन्वेक्स लेंस बताया, नंबर ए नाम दे देता हूँ। नंबर बी में यदि मान लीजिए कि दूसरे लेंस की बात की जाए तो कुछ ऐसा थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा। दो स्फेयर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने चाहिए, दिस इज द वन स्फेयर एंड दो सरफेस। और यदि मैं इसको कहूँ कि इसको एक प्लेन सरफेस इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इससे जो मैं एक लेंस बनाऊंगा कुछ इस टाइप का बनेगा।
एक सरफेस प्लेन है, एक सरफेस कर्व्ड है, स्फेरिकल है, तो ये कहलाएगा प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और यदि मैं बात करता हूँ नंबर सी टाइप की, समझिएगा इसको कि ये भी एक स्फीयर है और एक स्फीयर और भी है जो ऐसे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने बार बार कहा इंटरसेक्टिंग लेंसेज की बात। कुछ ऐसे थोड़ा सा गड़बड़ सा दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। उस गड़बड़ी को हम लोग अभी दुरुस्त भी कर लेते हैं, डायग्राम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता जरूर है। तो ये जो कुछ इंटरसेक्शन रीजन है, ये वाला रीजन, कुछ इसको ऐसे मैं डिनोट कर देता हूँ। देखिए ये पूरा का पूरा ये जो लेंस बना है ये कहलाएगा कनकेव कन्वेक्स। दिस इज कनकेव कन्वेक्स लेंस। तो ये तीन टाइप के हम लोगों ने इंटरसेक्टिंग लेंसेज देखे हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लेंसेज की बात कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फाइनाइट है। मतलब यदि यूँ कहूँ कि ये आर टू की वैल्यू क्या है, इन्फाइनाइट है, इसमें आर वन क्या है, आर वन ही है, इसमें भी आर वन और आर टू डिफाइंड हैं, मतलब इन्फाइनाइट नहीं है कोई भी। तो नो डाउट कि हम लोगों ने इस टाइप के तीन टाइप्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लेंसेज की बात करी। नॉन इंटरसेक्टिंग लेंसेज की बात हम लोग देखते हैं। नंबर ए, दो स्फीयर्स हम लोग लेते हैं और नो डाउट कि दोनों स्फीयर्स के बीच में कोई मीडियम बन जाए, कोई मीडियम भर दिया जाए इन दोनों स्फेरिकल बाउंड्रीज के बीच में, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम भर दिया जाए। यहाँ पर ये इस जगह पे कुछ मैं यहाँ पे रेड कलर से फिल करके दिखा देता हूँ। तो ये जो बना है रीजन, ये वाला रीजन कहलाएगा क्या, कुछ मैं रेड से ही बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसे तो ये वाला जो आपको शेप दिख रहा है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन कहिए, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू कहिए, और ऐसे में ये आर वन का है, ये आर टू का है। तो ये जो लेंस बना ये कहलाएगा बाई कनकेव लेंस। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज बाई कनकेव लेंस। और फिर से वही बात आ जाती है, यदि आर वन की वैल्यू आर टू के इक्वल हो जाए तो ये कहलाएगा क्या, इक्वी कनकेव लेंस। आपको एक बात बता दें, चाहे इस लेंस की बात करें चाहे मैं इस लेंस की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, इस मटेरियल ट्रांसपेरेंट है पूरा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा ज़रूर। मैं कहता हूं म्यू जी हो सकता है, ग्लास हो है, अंदर पूरा बाउंडेड है, ये भी म्यू जी हो सकता है, ये म्यू जी की कुछ वैल्यू होगी, आपको पता है मोर देन वन होनी चाहिए, और इसका भी कुछ ना कुछ म्यू जी होगा, इसका भी कुछ ना कुछ म्यू जी होगा, दैट्स मीन ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब नंबर बी की बात करते हैं। नंबर बी में बाय द वे मान लीजिए कि ये स्फीयर है और यहाँ पे कोई प्लेट है। अब ये प्लेट के बीच में कोई मीडियम फिल कर दिया जाए, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये मीडियम फिल कर दिया गया, तो इससे जो शेप बनेगा कुछ इस टाइप का शेप बनेगा, इस टाइप का बनेगा।
अब ये आर वन तो डिफाइन है, लेकिन ये आर टू क्या है? इन्फाइनाइट है, और अंदर एक कोई म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मटेरियल इसमें है जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तो इसको कहते हैं हम लोग प्लेनो कनकेव लेंस। एक प्लेन सरफेस है, कनकेव सरफेस है। और फाइनली एक और हम लोग लेंस देख लेते हैं, हालांकि हम लोगों को ज़्यादा इस पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इन सब का शेप हमें पता होना ही चाहिए। जब शेप पता होगा तो नो डाउट कि आगे कैलकुलेशंस वगैरह जो भी होंगी उनमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है हम लोगों को। तो देखिए नॉन इंटरसेक्टिंग लेंस का एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये दोनों के अलग अलग सेंटर्स हैं, नो डाउट कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ आर कह देता हूँ मैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू है। इन दोनों के बीच में एक ये मीडियम फिल है, तो कुछ शेप इसका ऐसे दिखेगा, ऐसे। और इसका आर वन और आर टू डिफाइंड है, आपको सबको पता है, इसको कहते हैं कन्वेक्सो कनकेव लेंस। तो इस टाइप से आपने दो टाइप के लेंस देखे, एक लेंस इंटरसेक्टिंग लेंस, दूसरा लेंस नॉन इंटरसेक्टिंग लेंस। इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लेंस दोनों के अलग अलग शेप आपने कई तरीके से देखे, और इनकी जानकारी हमें होनी भी चाहिए। आई थिंक आप लोगों ने ये बात समझ ली होगी। हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं इसके। समझिएगा, नो डाउट कि लेंस से जब हम इमेज लेंगे तो अब इमेज के लिए सबसे पहले लेंस के फोकस की जानकारी हमें होनी चाहिए, और हम जो भी बातें करेंगे यहाँ पर अब थिन लेंसेज की बातें करेंगे। तो देखते हैं, हम बात करते हैं फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस की। अब आपको पता है लेंस दो टाइप का होता है, एक इंटरसेक्टिंग और एक नॉन इंटरसेक्टिंग लेंस। और इंटरसेक्टिंग लेंस हो चाहे नॉन इंटरसेक्टिंग लेंस हो, इनके अलग अलग टाइप के फोकस होते हैं। नो डाउट कि इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होने की वजह से इनका बिहेव भी अलग अलग होगा, जो हम बाद में देखेंगे भी। तो देखिए फोकस क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। मैं एक लेंस ले लेता हूँ, और ये लेंस जो है बाई कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब कोई रे ऑफ लाइट इन्फाइनाइट से इंसिडेंस करती है, एक पूरा बीम है, बीम ऑफ लाइट है, तो ये एक पॉइंट से होकर के निकल जाती है। तो जिस पॉइंट से होकर निकलेगी ये पॉइंट कहलाएगा फोकस पॉइंट, मतलब ये रियली में इस पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो रही है, और ऐसे में इस पॉइंट को कहेंगे फोकस पॉइंट। तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी फोकल लेंथ स्मॉल एफ। एक्चुअल में इसको कहते हैं सेकेंडरी फोकस। ये ऐसे लेंस के लिए डिफाइन किया गया है जो कन्वर्जिंग नेचर के हों। यदि बाय द वे हम यदि इसी लेंस की बात करते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस पर एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से ऑफ लाइट डाइवर्ज होगी, लेंस के सरफेस पे आएगी और इससे रिफ्रैक्ट होकर के दूसरी साइड में जब जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और ऐसे में ये वाला जो पॉइंट है ये भी फोकस होगा, इसको एफ प्राइम कह देता हूँ मैं, और ये वाली लेंथ एफ डैश ये भी फोकस फोकल लेंथ है,
लेकिन ये फोकल लेंथ ये होगी नो डाउट कि ये पहले यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंस होके गई है, ये कहलाएगी प्राइमरी फोकस। सिमिलरली यदि हम डाइवर्जिंग नेचर वाले लेंस की बात करते हैं, जो एयर में डाइवर्जिंग है, ध्यान दीजिएगा हर्ष में डाइवर्जिंग नहीं होता है। अभी थोड़ी देर बाद में मैं इस पर थोड़ा सा आपको फोकस भी दिलवाऊंगा। रे ऑफ लाइट की बीम्स पैरेलल इंसिडेंस कर रही हैं और इसमें से रे ऑफ लाइट जो है डाइवर्ज कर गई। अब ये अपीयर होती हैं इस पॉइंट पर, प्रिंसिपल एक्सिस पे, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। मैं लिख भी देता हूँ, हालांकि लिखने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोगों ने इतनी बातें तो समझ रखी होंगी। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन, ये सब बातें 9th-10th में बहुत बढ़िया से समझा दी जाती हैं कि एक ऐसी लाइन है जो ऑप्टिक सेंटर से होते हुए इसके दोनों पोल्स को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, मतलब दोनों पॉइंट, दोनों पोल्स और ऑप्टिक सेंटर को इंटरसेक्ट करके जो पास होने वाली लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। सिमिलरली इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये वाला पॉइंट ये एफ है और ये लेंथ स्मॉल एफ, एक्चुअली ये सेकेंडरी फोकस हो जाएगा। अगेन मैं सेकेंडरी फोकस लिख देता हूँ, और ये फोकल लेंथ हो गई, एपियर हो रही है यहाँ पर। सिमिलरली यदि मैं एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करूँ जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखने से रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंस तो करेगी ही, ये क्लियर है, और कुछ इंसिडेंस करके इस पॉइंट पे जाती है और ऐसे में ये अपीयर होती है पैरेलल होते हुए, लाइक एज कि ये पैरेलल हो जाएगी या ये पैरेलल होनी भी चाहिए पर रिफ्रैक्शन। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो फोकस है ये प्राइमरी फोकस हो जाएगा, दैट इज प्राइमरी फोकस। तो ज़्यादा इस पर मैं फोकस नहीं डाल रहा हूँ, आप लोगों को ये फोकस की बातें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हम बात करते हैं लेंस के फोकल लेंथ के कैलकुलेशन की, जिससे पावर भी कैलकुलेट किया जाएगा। एक वेरी थिन लेंस है, ध्यान दीजिएगा ये लेंस ज़रूरी नहीं है कि मैंने बाई कन्वेक्स रखा है तो बाई कन्वेक्स ही होगा, बाई कन्केव भी हो सकता है, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम आएगा लेकिन एप्लीकेशन दोनों का अलग अलग टाइप से होगा। और ऐसे में इसके दो अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, दैट इज मैं कह देता हूँ R2, दिस इज R1, और यदि कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कर रही इधर से, इधर इसका कोई इमेज बन रहा है, ये इमेज साइड है, ये इंसिडेंस साइड है, ऑब्जेक्ट इधर कहीं होगा, तो ऐसे में 1/F इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू टू का मतलब द मीडियम ऑफ लेंस, दैट इज लेंस मीडियम म्यू जी बाई म्यू वन की जगह एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अलग मीडियम, -1 एंड 1/R1 -1/R2। आपको बता दूँ 1/F, यदि F को मीटर्स में हम लोग लिखें तो 1/F इज नोन एज पावर ऑफ द लेंस। यहाँ पे बगल में मैं बात कर लेता हूँ, पावर ऑफ लेंस दैट इज इक्वल्स टू P = 1/F when F is in meters। ध्यान दीजिएगा, जब F meters में होगा then P is in diopters। मतलब पावर का जो लेंस के पावर का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर में मेजर किया जाता है, और ऐसे में फोकल लेंथ हमें मीटर में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सेंटीमीटर में भी दिया हुआ आ सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको बता दूँ कि
कि म्यू जी बाई म्यू वन को मैं म्यू आर कह देता हूँ, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो ये फार्मूला कुछ इस टाइप का बन जाएगा, वन बाई एफ इक्वल्स टू म्यू आर माइनस वन एंड वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ध्यान दीजिएगा, देन एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर वन आर टू बाई म्यू आर माइनस वन आर टू माइनस आर वन। ये एक फोकल लेंथ ऑब्टेन करने का एक फार्मूला बन गया, और इसी फॉर्मूले को हम लोग बेस बना करके जितने भी टाइप के लेंसेज थे उनकी फोकल लेंथ हम लोग फाइंड करेंगे, देखते हैं। ओके, तो हम लोगों ने भी फोकल लेंथ की बात की थी, एंड दैट इज इक्वल टू आर वन आर टू बाई म्यू आर माइनस वन आर टू माइनस आर वन। थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज के लिए इसी फॉर्मूले को देखते हैं, नीट के लिए बहुत ज़रूरी है, जेई मेन के लिए बहुत ज़रूरी है, एडवांस में भी आ सकता है। यदि आपको फॉर्मूला क्लियर है तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको प्रोसेस से जाना पड़ेगा और प्रोसेस में टाइम लग जाता है। तो ध्यान दीजिए, मैं कहता हूँ बाई कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस। जब इसकी बात करेंगे बाई कन्वेक्स लेंस की, तो ये बताइए, ये है R1, इसको R2 कहिए, ये R1 है, और कोई रे ऑफ लाइट इधर से इंसिडेंस कर रही है, तो R1 यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव नेचर का और R2 हो जाएगा पॉजिटिव नेचर का। तो ऐसे में F की वैल्यू हो जाएगी R1 R2 by mu R माइनस वन। ध्यान दीजिएगा कि मैंने सिंबल के साथ लिखा है, मतलब ऐसा नहीं कि बाद में हम सिंबल रखेंगे, यहीं पे सिंबल रख रहे हैं, सिंबल के साथ हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो जाएगा R1 प्लस R2, मतलब जो आपको दिया हुआ रहेगा R1 R2 वैसे का वैसे रखना है। सिंबल का यूज़ यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। नंबर टू, यदि हम लोग इक्वी कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, इक्वी कन्वेक्स लेंस की, तो वही f की वैल्यू क्या हो जाएगी, r1 r2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, और तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बाई टू आर, तो ऐसे में r बाई टू म्यू आर माइनस वन हो जाएगा। बड़ी सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप प्लेनो कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, तो ऐसे में एक साइड प्लेन होगा, एक साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगा, दैट इज़ एफ इक्वल्स टू आर बाई म्यू आर माइनस वन। जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखेंगे आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हमें इनको डायरेक्ट यूज में लेने आना चाहिए, याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रोसेस से होके जाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये तो हुआ बाई कन्वेक्स लेंस, मतलब इंटरसेक्टिंग लेंसेज के बारे में। यदि हम यही बात करते हैं बाई कनकेव लेंस की, बाई कनकेव लेंस, तो ध्यान दीजिएगा कुछ इस टाइप से होता है नेचर इसका। मैं इसको कहता हूँ R1, ये कहता हूँ R2, और ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कर रही है, उधर आप रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि F फॉर बाई कनकेव लेंस, दैट इज़ R1 R2, सिंबल के साथ रखेंगे तो ये माइनस में जाएगा, R1 R2 बाई न्यू आर माइनस वन, एंड यहाँ पर दोनों एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तो ऐसे में R1 प्लस R2 हो जाएगा। और बिल्कुल आप लोगों ने आसानी से इसमें फॉर्मूले में रख दिया, नो डाउट कि ये F पॉजिटिव नेचर का होगा। यदि मान लीजिए बाय द वे म्यू आर यूँ कहा जाए, इफ म्यू ग्लास इज ग्रेटर देन, मतलब म्यू आर इज़ ग्रेटर देन वन होगा तभी ये नेचर दिखाई देगा। सिमिलरली यहाँ भी म्यू आर मस्ट बी ग्रेटर देन वन होना चाहिए। और नंबर सेकेंड हम बात करते हैं इक्वी कनकेव लेंस की, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी माइनस आर बाई टू म्यू आर माइनस वन। मैंने पहले बता दिया म्यू आर मस्ट बी ग्रेटर देन वन। एंड नंबर थ्री, यदि प्लेनो कनकेव लेंस की बात की जाए, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल्स टू माइनस आर बाई म्यू आर माइनस वन। अगेन मैंने आपको बताया कि म्यू आर मस्ट बी ग्रेटर देन वन होगा, और अब इन फॉर्मूलों को हमें मेमोराइज रखना पड़ेगा, देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि फोकल लेंथ वेरियस टाइप के लेंसेज के क्या होते हैं,
और f इक्वल्स टू आप लोगों ने देख लिया है r1 r2 बाई म्यू रिलेटिव माइनस वन एंड r1 माइनस r2, ये सब बातें हम लोगों ने देख ली हैं और वेरियस टाइप के लेंसेज के लिए हम लोगों ने डिफाइन किया है। अब एक स्पेशल बात ये है कि आप लोगों ने देखा कि 1 बाई एफ इक्वल्स टू म्यू आर माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ये आर टू माइनस आर वन है, माफ कीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए, अब ये पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना डिपेंड करता है इस म्यू आर पर। मतलब एफ इज पॉजिटिव, किसी लेंस के लिए एफ पॉजिटिव है, मतलब वो लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग नेचर का है, और एफ इज नेगेटिव वो लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर का है। ध्यान से सुनिएगा, मैं लेंस की बात कर रहा हूँ, और एफ ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, मतलब वो है इनफाइनाइट। तो ऐसे में एफ दैट इज ज़ीरो है तो हम यो कहेंगे वो ना डाइवर्जिंग है ना कन्वर्जिंग है, लाइक एज अ प्लेन सरफेस की जैसा बिहेव करता है। एफ इज दैट इज वन बाई आर वन दैट इज इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट ज़ीरो, एफ इज इन्फाइनाइट। तो ये प्लेन सरफेस जैसा बिहेव करता है, कैसा सरफेस, ट्रांसपेरेंट सरफेस, ये लेंस के बारे में है। और यदि हम मिरर की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं लेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे बीच में आपको मिरर के बारे में समझा देता हूँ कि यदि ये इसकी जगह मिरर होता तो एफ पॉजिटिव मीन्स ये डाइवर्जिंग नेचर, एफ नेगेटिव मीन्स कन्वर्जिंग नेचर। और ये बात आपने देख लिया होगा लेंस के बारे में कि ये कन्वेक्स लेंस होता है, सॉरी कन्वेक्स मिरर होता है और ये कनकेव मिरर का नेचर होता है। तो ये सब बातें हम लोगों ने बहुत पहले से जान रखी हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर मुझे डिस्टिंग्विश करने का मौका मिल गया लेंस और मिरर के फोकल लेंस से कि डाइवर्जिंग नेचर क्या होगा, कन्वर्जिंग नेचर क्या होगा। और एक्चुअली में इसी से हम पावर को भी डिफाइन करते हैं। व्हाट इज पावर, पावर ऑफ लेंस और मिरर की भी बात हम चाहें तो साथ ही साथ कर सकते हैं, बट हम लोग लेंस पे फोकस डाल रखे हैं तो थोड़ी सी बात इसकी ज़्यादा देनी ज़रूरी है। दैट इज़ नथिंग बट द कैपेसिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द बीम ऑफ लाइट। थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग, मतलब कोई भी लेंस है वो कितनी डिस्टेंस तक किसी लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है वो कहलाता है पावर ऑफ लेंस। और दिस इज डिफाइंड बाय पी इक्वल्स टू वन बाई एफ, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। एफ मीटर्स में होगा तो पी डायोप्टर में होगा। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी लेंस की बात करूं, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं। मैंने एक लेंस लिया, कैसा भी लेंस ले सकता हूं, मान लीजिए कि ये प्लेन ऑफ कन्वेक्स लेंस ले लिया मैंने। प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंस कर रही हैं और ये इस जगह पे फोकस कर रहा है, मतलब रेज ऑफ लाइट को इस जगह पे कन्वर्ज कर रहा है। तो ये वाली एक डिस्टेंस है, कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है, इसको फोकल लेंथ ही कहेंगे हम लोग। कितनी ज़्यादा डिस्टेंस या कम डिस्टेंस पे फोकस कर रहा है, जितनी कम डिस्टेंस पे फोकस करेगा पावर उतना ही ज़्यादा होगा, और
जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर फोकस करेगा उतना ही कम पावर होगा। अब एक स्पेशल बात है कि ये पावर चाहे फोकल लेंथ ये कैसा होता है, मतलब कोई भी लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। हम ये नहीं कह सकते कि बाई कन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होगा, बाई कनकेव लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होगा, डिपेंड डाइवर्जिंग होगा। ये डिपेंड करता है कि कैसे मीडियम में इसको प्लेस किया गया है। थोड़ा सा देखते हैं। तो हमने यहाँ पे दो डायग्राम्स यहाँ पे डिनोट किए हैं। एक डायग्राम बाई कन्वेक्स लेंस के लिए है, डायग्राम बाई कनकेव लेंस के लिए है। अब दोनों लेंस अलग अलग तरीके से अरेंज किए गए हैं। दोनों के मीडियम सराउंडिंग मीडियम म्यू वन है और म्यू वन की जो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और म्यू वन की वैल्यू म्यू जी मतलब ये जो मटेरियल है लेंस का उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। दोनों केसेज में ऐसा है। तो ऐसे में इसका नेचर कन्वर्जिंग होगा और इसका नेचर डाइवर्जिंग होगा। कैसे? फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। इसका फोकल लेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे एफ इक्वल्स टू म्यू आर। म्यू आर इज नथिंग बट म्यू जी बाई म्यू वन माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। और यदि हम लोग दूसरे फॉर्मूले से बात करें तो भी वही बात आएगी, एफ इक्वल्स टू म्यू जी बाई म्यू वन माइनस वन, सॉरी दैट इज होल पावर माइनस वन, दैट इज होल पावर माइनस वन। दैट्स मीन ये वैल्यू देखी जाए म्यू जी बाई म्यू वन की, तो म्यू जी इज ग्रेटर देन म्यू वन है, ऐसे में ये वैल्यू मोर देन वन होगी और ये ब्रैकेट क्या आ जाएगा पॉजिटिव। और आर वन और आर टू इनकी वैल्यू जो इनको सॉल्व करेंगे तो आर वन की वैल्यू और आर टू की, आर वन तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे और आर टू की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। नो डाउट कि जिससे इसका कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू होगा तो ये नेगेटिव होगा और नेगेटिव की वैल्यू जब सिंबल के साथ रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ऐसे में ये पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव होगा। दैट्स मीन एफ इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि म्यू जी बाई म्यू वन इज ग्रेटर देन वन, मतलब ये वैल्यू जब वन से ज़्यादा होगी तो नो डाउट कि इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी पॉजिटिव। मतलब कैसा आया? इस मीडियम में ये कन्वर्जिंग नेचर का है, सॉरी डाइवर्जिंग नेचर का है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। अब सिमिलरली इसमें हम बात करते हैं, अगेन म्यू जी इज ग्रेटर देन म्यू वन है तो म्यू जी बाई म्यू वन इज अगेन ग्रेटर देन वन हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट तो पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पे आर वन आर टू की बात करते हैं तो आर वन क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, आर टू पॉजिटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो सिंबल के साथ जब पुट करेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा नेगेटिव, पूरा ब्रैकेट नेगेटिव होगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी। दैट्स मीन एफ इज इक्वल्स टू नेगेटिव, और नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, ये डाइवर्जिंग सॉरी कन्वर्जिंग नेचर का हुआ, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाता है। दिस इज ऑफ डाइवर्जिंग नेचर, ओहो कन्वर्जिंग नेचर कितनी मिस्टेक हो रही है जी, कन्वर्जिंग नेचर मतलब ये पॉजिटिव है और ये डाइवर्जिंग नेचर मतलब ये रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, बहुत सारे डायरेक्शंस में ये स्प्लिट कर दे रहा है। यहाँ पे रे ऑफ लाइट्स की बीम को क्या कर रहा है, एक जगह पे फोकस कर रहा है। और ऐसे में हम यूँ कहेंगे कि इस मीडियम के सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उतना ही लेंस का नेचर, हम ये कहेंगे इस लेंस का नेचर कन्वर्जिंग नेचर का होगा और इस लेंस का नेचर डाइवर्जिंग नेचर का होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वापस मैंने दो सिचुएशंस दिखाई हैं। अब की बार म्यू वन की वैल्यू म्यू जी से ज़्यादा है, मतलब लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ज़्यादा, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ऐसे में जो एफ की वैल्यू आएगी इस वाले कंडीशन में वो आएगी नेगेटिव, मतलब ये कैसा हुआ, रे ऑफ लाइट को चारों डायरेक्शंस में स्प्लिट करेगा और एक वर्चुअल फोकल देगा, मतलब किस मीडियम में लेंस रखा गया है उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे में एफ नेगेटिव आएगा, मतलब इसका नेचर क्या हो जाएगा डाइवर्जिंग, और इसका नेचर क्या हो जाएगा एफ पॉजिटिव आ जाएगा इस केस में और ये हो जाएगा कन्वर्जिंग। तो यदि बात आप लोगों से पूछी जाए कि अब बाई कन्वेक्स लेंस हैज़ द नेचर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग और समथिंग एल्स, तो आपका जवाब दोनों ही हो सकता है, कन्वर्जिंग भी हो सकता है डाइवर्जिंग भी हो सकता है, डिपेंड करता है मीडियम
जो सराउंडिंग का है वो कैसा है। एयर आपको पता है एयर मीडियम कैसा होता है, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है 1 के। अब लेंस के मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मोर देन 1 होता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको पता है म्यू जी इज ग्रेटर देन म्यू सराउंडिंग, और ऐसे कंडीशन में एफ पॉजिटिव ही आता है। लेकिन यदि कोई अदर मीडियम की बात की जाए तो ऐसे में हम लोगों को ये पता चलेगा कि एफ का बिहेव कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी के बेस पर हम कहेंगे कि ये लेंस किस टाइप से बिहेव कर रहा है। तो आप लोगों ने ये बात बढ़िया से समझ ली होगी नेचर ऑफ लेंसेज की। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि एक बाई कन्वेक्स लेंस है, उनके रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स दिए हुए हैं 20 और 22 सेंटीमीटर्स, और ऐसा बोला गया कि जब उसको एयर में रखते हैं तो उसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर मिलती है। उसी लेंस को एक दूसरे मीडियम में हम लोग इमर्ज कर देते हैं जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 5/3 है, तो उसी लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करनी है, और लेंस के मटेरियल का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 4/3 है। तो हम लोग अपने फंडामेंटल फॉर्मूले से एक बात कह सकते हैं क्या सॉल्यूशन में, एफ इक्वल्स टू आपको पता है R1 R2 by μr-1, एंड R1 + R2 में सीधी वैल्यू रखूँगा बाई कन्वेक्स लेंस है तो, और बाई कनकेव लेंस होता है तो यहाँ पे माइनस करके ये वैल्यू मोड के फॉर्म में हो जाती। तो यूँ कहिए कि एफ आर म्यू आर की वैल्यू आपको गिवन है, क्या है फर्स्ट केस में, मतलब एफ फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर है। नो डाउट कि ये जब एयर में है तो अपने आप पता चल जाएगा। R1 R2 मैं ऐसे कैसे लिखता हूँ, क्योंकि R1 R2 दिया ज़रूर है, इसका मीनिंग कुछ होगा नहीं क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, और म्यू आर माइनस वन दैट इज म्यू लेंस बाई म्यू एयर, एंड म्यू लेंस इज इक्वल टू 5/4/3 - 1 एंड R1 + R2। अब ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, लेकिन सेकेंड इक्वेशन ये बनेगा क्या, एफ डैश इक्वल्स टू R1 R2 म्यू आर हो जाएगा क्या 4/3 - 5/3 R1 + R2। फॉर्मूले में हम लोगों ने वैल्यू रखी है, नो डाउट कि यदि इसको सेकेंड इक्वेशन कह दूं और सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो एफ डैश बाई 25 बचेगा ये, और जब ये वाला टर्म कैंसिल हो गया तो अब ये जो न्यूमिनेटर का टर्म है, डिनोमिनेटर का टर्म है, न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट बिकम्स 1/3 और ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल 4/5 - 1/5 दैट इज -5। तो आपने देख लिया होगा कि एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी -15 सेंटीमीटर, और ये -15 सेंटीमीटर ये बतला रहा है कि अब इस लेंस का नेचर कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग में हो गया है, मतलब मीडियम चेंज होते ही उसका बिहेव चेंज हो गया है और फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर हो गया है। आई थिंक आप लोगों ने इस फिनोमेना को बहुत बढ़िया से समझ लिया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं।